हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रदेशों के प्रकार। तो प्रदेशों में हमने क्या पढ़ा था कि प्रदेश किसे कहते हैं। तो कोई भी एक क्षेत्र होता है, प्रदेश क्या होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें समान प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, ठीक है, जिसमें समरूपता पाई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक प्रदेश कहते हैं, ठीक है। या कोई भी प्रदेश कह सकते हैं कि कोई भी एक क्षेत्रीय इकाई होती है जिसमें कोई भी एक क्षेत्रीय इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदेश। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रदेश जो होता है वो भूतल का एक प्रखंड होता है या एक इकाई होता है जिसके अंतर्गत क्या समान अभिलक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। तो एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, कौन है, एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता है जिनका क्या नाम है, डी विट्सली। डी विट्सली ने क्या बताया है, डी विट्सली डी विटलेसी, ठीक है, विट्सली ने, डी विटलेसी ने क्या बताया। तो डी विटलेसी ये कौन थे, एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे। इन्होंने प्रदेश के प्रकार बताए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी प्रदेश का जब हम सीमांकन करते हैं, कोई भी प्रदेश होता है, ठीक है, तो जब हम उसका निर्धारण करते हैं, उसका सीमांकन करते हैं कि ये इस प्रकार का प्रदेश है, तो उस प्रदेश के प्रकार को हमें, उस प्रदेश को विभाजित करने के लिए उसमें क्या होता है कि 16 तत्वों का हमें अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। जिस प्रदेश में 16 तत्व क्रमशः पाए जाते हैं, पूरे 16 तत्व, वो क्या हो जाते हैं, संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण विषय प्रदेश या फिर संपूर्ण प्रदेश जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। और प्रदेशों के वर्गीकरण के लिए या प्रदेशों के प्रकार के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डी विटलेसी के अनुसार, डी विटलेसी के अनुसार क्या है कि किसी भी प्रदेश का सीमांकन करने के लिए हमें कितने तत्वों का अध्ययन करना पड़ता है। तो हमें 16 तत्व दिए गए हैं, ठीक है। इन्हीं 16 तत्वों के आधार पर हम किसी भी प्रदेश का वर्गीकरण कर सकते हैं, किसी भी प्रदेश को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आता है कि प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है, सामान्यतः प्रदेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जननिक या फिर जननिक प्रदेश को हम सामान्य प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है, सामान्य प्रदेश। और दूसरा क्या आता है, विशिष्ट प्रदेश। एक क्या होता है, जननिक प्रदेश, और दूसरा क्या होता है, विशिष्ट प्रदेश। अब देखिए, ये जननिक प्रदेश के दो प्रकार होते हैं। एक होता है समरूप प्रदेश, या इसे हम औपचारिक प्रदेश भी कहते हैं, औपचारिक प्रदेश, ठीक है। और दूसरा क्या आता है हमारा, कार्यात्मक प्रदेश। इस समरूप प्रदेश में और कार्यात्मक प्रदेश में, दोनों में क्या एक सिमिलैरिटी होती है कि इसमें एकल विषय, बहुल विषय और संपूर्ण विषय दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी एकल कार्यात्मक, बहुल कार्यात्मक और संपूर्ण कार्यात्मक का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है बहुल विषय और संपूर्ण विषय का जो मध्य का जो स्टेज होता है, ठीक है, मध्य का जो इसे कह सकते हैं कि मध्य की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंपेस कहते हैं। तब देखिए, ये एकल विषय क्या होता है, ठीक है, एकल विषय प्रदेश, बहुल विषय प्रदेश और संपूर्ण विषय प्रदेश क्या होता है। तो एकल विषय प्रदेश क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम केवल एक ही तत्व के आधार पर किसी भी प्रदेश का वितरण करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रदेश का हम सीमांकन करते हैं। एक ही तत्व होता है, उसका वितरण जितने स्थान पर, जितने क्षेत्र पर है, उसे हम एक प्रदेश कह देते हैं। सिर्फ एक तत्व होता है उसमें, जैसे कि मृदा प्रदेश हो गया, वर्षा प्रदेश हो गया, वनस्पति प्रदेश। तो मृदा प्रदेश में क्या होता है कि उस क्षेत्र की सिर्फ हम मृदा के आधार पर उसका हम सीमांकन कर रहे हैं, ठीक है, कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है, काली मिट्टी पाई जा रही है, दोमट मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और कितने क्षेत्र तक पाई जाती है, ठीक है, उसका वितरण कितना है, उसी के आधार पर हम एक प्रदेश का सीमांकन करते हैं या एक प्रदेश का निर्धारण करते हैं। तो ये होता है एकल विषय। बहुल विषय में क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा तत्व लेते हैं, ठीक है,
जैसे कि जलवायु प्रदेश हो गया, प्राकृतिक प्रदेश हो गया, आर्थिक प्रदेश। अब जैसे कि प्राकृतिक प्रदेश हो गया, तो कोई भी प्रदेश है उसका जब हम सीमांकन कर रहे हैं, अगर वो बहुल विषय है, हम क्या कर रहे हैं उसको प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर बांट रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक प्रदेश में हमें क्या करना पड़ेगा, अब एकल तत्व तो हम उसमें ले नहीं रहे, उसमें बहुत सारे तत्व ले रहे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी पर्वत है, पठार है, नदी है, मैदान है, मृदा है, वनस्पति है, वहाँ के जीव जंतु हैं, तो इन सब के आधार पर, इन सब को जो भी प्राकृतिक चीज़ है, जो भी प्राकृतिक तत्व है, ठीक है, तो प्राकृतिक तत्व एक थोड़ी है, प्राकृतिक तत्व पहाड़, पठार, मैदान, नदी, ठीक है, तालाब, झील, झरने, ये सब आ जाते हैं, वहाँ की वनस्पति, वहाँ किस प्रकार की वनस्पति, और वो वनस्पति कितने क्षेत्र तक फैली हुई है, उसका वितरण कहाँ तक है, ठीक है, तो इन सब का जब हम एक साथ अध्ययन करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं कि वो एक प्राकृतिक प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा संपूर्ण प्रदेश, तो संपूर्ण प्रदेश में क्या होता है कि डी विटलेसी ने जितने 16 तत्व बताए हैं, उन 16 तत्व जिस प्रदेश में पाए जाते हैं तो उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संपूर्ण विषय प्रदेश, इनकी कोई एक प्रदेश है उसके जो 16 तत्व है वो दूसरे प्रदेश के 16 तत्वों से मेल खाते हैं, मैच होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण विषय प्रदेश। उसके बाद क्या आता है, कंपेज, तो कंपेज ऐसे प्रदेश को कहते हैं जिसमें कई तत्वों को मिला करके, लेकिन उसमें तत्वों का जो महत्व है उसके क्रम, उसमें किसी किसी तत्व को ही महत्व दिया जाता है, सारे तत्वों को महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि जो बहुल विषय और संपूर्ण विषय प्रदेश होते हैं इनके जो बीच की स्थिति होती है, यानी कि बहुल विषय इसमें बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है कि सभी तत्वों को महत्व नहीं दिया जाता है, कुछ ही तत्व होते हैं जिसे महत्व दिया जाता है, जैसे कि जो उसमें उस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती हो, ठीक है, तो उसी के आधार पर क्या किया जाता है कि उस प्रदेश का निर्धारण किया जाता है या सीमांकन किया जाता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कंपेज। और ऐसा ही होता है एकल कार्यात्मक, बहुल कार्यात्मक और संपूर्ण कार्यात्मक में। अब इसके आगे क्या आता है कि एक अमरीकी भूगोलवेत्ता, जो कौन थे, डी विट्सली कहाँ के थे, अमरीकी भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि दो प्रकार के प्रदेश होते हैं, फिर से बता देते हैं, डी विट्सली ने क्या बताया कि दो प्रकार के प्रदेश होते हैं, जननिक प्रदेश को सामान्य प्रदेश भी कहते हैं, और दूसरा क्या आता है, विशिष्ट प्रदेश, या फिर इसे हम लोग केंद्रीय प्रदेश भी कह, विशिष्ट प्रदेश, जननिक प्रदेश के अंतर्गत आता है संपूर्ण प्रदेश, या फिर इसे हम लोग औपचारिक प्रदेश कहते हैं, या फिर इसे हम लाक्षणिक प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है, इसी संपूर्ण प्रदेश को हम लोग लाक्षणिक प्रदेश भी कहते हैं, लाक्षणिक प्रदेश। और ये कार्यात्मक प्रदेश होता है, कार्यात्मक प्रदेश को हम लोग केंद्रीय प्रदेश भी कहते हैं, नोडल रीजन, ठीक है, ये जो समरूप प्रदेश है उनका जो सीमांकन है वो चुने गए तत्वों या फिर चुने गए जो संबंधों होते हैं उनके आधार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होती है कि सीमित प्रकार की क्षेत्रीय समरूपता पाई जाती है, जैसे कि जलवायु प्रदेश होता है, मृदा प्रदेश होता है, इस समरूप प्रदेश के अंतर्गत क्या पाई जाती है कि समरूपता पाई जाती है, ये समरूपता वाला प्रदेश होता है, ठीक है, जैसे कि कोई एक प्रदेश है तो उसमें समान प्रकार समान जलवायु पाई जाएगी, ठीक है, या तो गर्म जलवायु पाई जाएगी या ठंडी जलवायु पाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर तक ठंडी जलवायु पाई जा रही है, 11 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक गर्म जलवायु पाई जाएगी, ऐसा नहीं होता। फिर अगर मृदा प्रदेश हम लोग देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि मिट्टी 10 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर तक काली मृदा पाई जा रही है, 20 किलोमीटर के आगे हमें लाल मृदा देखने को मिलती है, ऐसा नहीं होता। उस प्रदेश में पूरा क्या होता है कि काली मृदा अगर पाई जा रही है तो काली मृदा ही पाई जाएगी, अगर लाल मृदा पाई जा रही है तो लाल मृदा ही पाई जाएगी, वो एक समानता रहती है, एक समरूपता होती है। तो ये जो समरूप प्रदेश होता है या औपचारिक प्रदेश या फिर लाक्षणिक प्रदेश, ये एक समरूप प्रदेश होता है, इसमें समरूपता पाई जाती, और इसी के जस्ट अपोजिट जो कार्यात्मक प्रदेश होता है,
या फिर केंद्रीय प्रदेश, इसका सीमांकन स्थानीय स्तर या फिर विद्यमान कार्यात्मक संबंधों के आधार पर किया जाता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है नगर प्रदेश। जो नगर प्रदेश है उसे हम लोग कार्यों के आधार पर विभाजित करते हैं या कार्यों के आधार पर उसका हम लोग सीमांकन करते हैं, ठीक है, जो एक नगर प्रदेश होता है। अब एक ब्रिटिश भौगोलिक संघ है, ब्रिटिश ज्योग्राफिकल एसोसिएशन ने क्या किया है कि प्रादेशीकरण की जो व्याख्या है उसके लिए एक समिति नियुक्त किया था, ठीक है, जिसके सदस्य कौन कौन थे, रॉक्सबी, स्टाम्प, अनस्टेज और मायर्स। और इस समिति ने एक लेख प्रकाशित किया था। वो लेख कब प्रकाशित किया था, तो 1937 में उस लेख को प्रकाशित किया था। उसका नाम क्या था, विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इस समिति ने प्रदेशों को दो वर्गों में, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि जो डी विटल्सी है उन्होंने प्रदेशों को कितने कितने प्रकार में विभाजित किया, ठीक है, यहाँ पे दो टाइप का आता है। तो ये जो समरूप प्रदेश और ये जो कार्यात्मक प्रदेश है, इन दोनों का जो वर्गीकरण है या इन दोनों को डी विटल्सी ने बताया है। डी विटल्सी, डी विटल्सी ने समरूप प्रदेश और कार्यात्मक प्रदेश बताया है, ठीक है। और ये जो जननिक प्रदेश और ये जो विशिष्ट प्रदेश है, ये दो प्रकार के प्रदेश को किसने बताया, तो ब्रिटिश ज्योग्राफिकल एसोसिएशन ने बताया, जिसने क्या किया था, एक कमेटी बनाया था। उस कमेटी ने क्या किया था कि एक लेख लिखा था, जो कि कब पब्लिश हुआ था, 1937 में ये लेख प्रकाशित हुआ था। और इसका हेडिंग क्या था, यानी कि ये इसका नाम क्या था उस लेख का, तो विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो और इस समिति ने प्रदेशों को दो वर्गों में बांटा था, किस किन वर्गों में, तो जननिक प्रदेश और दूसरा क्या आता है, विशिष्ट प्रदेश। तो ये क्या है, जननिक प्रदेश और विशिष्ट प्रदेश का वर्गीकरण किसने किया था, तो ब्रिटिश भौगोलिक संघ के द्वारा बनाई गई समिति ने एक लेख लिखा था। उस लेख का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसी ने बताया था कि प्रदेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक जननिक प्रदेश होता है और दूसरा विशिष्ट प्रदेश होता है। और उससे पहले डी विटल्सी ने क्या बताया था कि प्रदेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समरूप प्रदेश और दूसरा होता है कार्यात्मक प्रदेश। अब देखिए इसमें क्या आता है कि जो जननिक प्रदेश होता है, जननिक प्रदेश के अंतर्गत ही हम लोग क्या किस चीज़ को पढ़ते हैं, तो समरूप प्रदेश और कार्यात्मक प्रदेश को पढ़ते हैं। ये जो जननिक प्रदेश है किसी वर्ग या किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भूतल के बहुत सारे भागों में ये जो जननिक प्रदेश है ये पाए जाते हैं। जननिक प्रदेश सामान्य विशेषता वाले होते हैं और एक से अधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी के अपोजिट अगर हम देखें तो जो विशिष्ट प्रदेश होता है वो अकेला प्रदेश होता है, जिसका अन्य उदाहरण नहीं पाया जाता, ठीक है, और इनकी भौगोलिक विशेषताएं भी बहुत ही अलग होती। जननिक प्रदेश जो होते हैं वो ये भूतल के अलग अलग भागों पर पाए जाते हैं या एक से अधिक भागों पर पाए जा सकते हैं, लेकिन जो विशिष्ट प्रदेश होते हैं वो एक से अधिक प्रदेशों पर नहीं पाए जा सकते हैं। भूतल के अलग अलग भागों पर ये नहीं पाए जा सकते, भूतल के सिर्फ एक ही भाग पर ये जो विशिष्ट प्रदेश होता है ये पाया जाता है। ये जो विशिष्ट प्रदेश होता है ये सर्वतत्वीय या सर्वपक्षीय क्षेत्रीय इकाई होता है, जो एक ही स्थान या क्षेत्र में विद्यमान हर जितने भी प्रकार के भौगोलिक तत्व होते हैं, जैसे कि भौगोलिक तत्वों में आ गया मानवीय तत्व और प्राकृतिक तत्व दोनों ही, ठीक है, वो परस्पर सह अस्तित्व पर आधारित होते हैं। और इसका कोई तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं किया जा सकता, विशिष्ट प्रदेश का किसी दूसरे प्रदेश से तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता, जबकि जननिक प्रदेश का किसी अन्य प्रदेश से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि समरूप प्रदेश किसे कहते हैं। तो जो समरूप प्रदेश होता है ये क्या होता है, समानता या समरूपता वाला प्रदेश होता है, जैसे कि भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश। और इसमें एकल तत्व की समानता के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। किसी एक तत्व, कोई भी एक तत्व ले लिया गया, जैसे मृदा हो गया, वनस्पति हो गया, वहाँ का भाषा हो गया, कृषि हो गया, जलवायु हो गया, औद्योगिक हो गया, किसी भी एक तत्व के आधार पर उस क्षेत्र का निर्धारण या उस क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है।
उसे हम क्या कहते हैं, समरूप प्रदेश। अब इसमें आता है कि भौतिक प्रदेश क्या होता है। ठीक है, समरूप प्रदेश के जो उदाहरण हैं क्या क्या आते हैं, भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश। इसके उदाहरण क्या क्या है, भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश और भौगोलिक प्रदेश। तो उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि ये भौतिक प्रदेश क्या होता है, किसे कहते हैं भौतिक प्रदेश, इसकी विशेषता क्या होती है, इसका सीमांकन किस प्रकार किया जाता है। तो जो भौतिक प्रदेश होता है इसका सीमांकन उच्चावच या स्थलाकृति के आधार पर किया जाता है, किसी भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र, ठीक है, उस क्षेत्र का जो उच्चावच होता है या फिर उस क्षेत्र की जो स्थलाकृति होती है उसके आधार पर उस क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है या उस प्रदेश का सीमांकन किया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान टाइम में क्या किया जा रहा है कि जो भौतिक प्रदेश का सीमांकन या जो भौतिक प्रदेश का निर्धारण किया जा रहा है तो ये उच्चावच संरचना और अपवाह के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है, तो पर्वतीय प्रदेश हो गया, पठारीय प्रदेश, अंतर पर्वतीय प्रदेश, गिरिपद प्रदेश, मैदानी प्रदेश, ये सब क्या होते हैं, तो भौतिक प्रदेश हो गए। स्थलाकृति के आधार पर अगर भारत के हम भौतिक प्रदेशों को देखें तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश और समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश। सेकंड आता है हमारा प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश क्या है, तो इसका जो निर्धारण है वो प्राकृतिक तत्वों की समरूपता के आधार पर किया जाता है, जैसे कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाली जो उच्चावच है, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति आदि, इसके आधार पर इस प्राकृतिक प्रदेश का निर्धारण किया जाता है या सीमांकन किया जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं प्राकृतिक तत्व जो होते हैं, प्राकृतिक तत्व एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर इन प्राकृतिक तत्वों में क्या क्या पाए जाते हैं, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, वन और जीव जंतु को नहीं लिया जाता, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, ये सब किस में पाए जाते हैं, तो प्राकृतिक प्रदेश में ये सब पाए जाते हैं। इस प्राकृतिक प्रदेश का सबसे पहले जो निर्धारण था वो ए.जे. हर्बर्टसन ने किया था 1905 में। ये ए.जे. हर्बर्टसन जो थे वो एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। ए.जे. हर्बर्टसन कौन थे, एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपना एक भौगोलिक पत्रिका लिखी थी, ठीक है, उसका नाम क्या था, ज्योग्राफिकल रिव्यू था, जिसमें उनका नाम क्या था, मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था कि प्राकृतिक प्रदेशों का आधार क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति होती है। ए.जे. हर्बर्टसन ने क्या बताया था कि जो प्राकृतिक प्रदेशों का जो हम वर्गीकरण करते हैं या इसका जो सीमांकन करते हैं, इसका निर्धारण करते हैं कि ये एक प्राकृतिक प्रदेश है, तो इसका भी तो एक आधार होना चाहिए। किसी भी चीज़ का जब हम निर्धारण करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, तो उसका एक आधार होता है। तो इसी प्रकार प्राकृतिक प्रदेश का अपना एक आधार होता है, ये कहना था ए.जे. हर्बर्टसन का। तो इन्होंने क्या बताया कि कोई भी प्राकृतिक प्रदेश है तो उसका आधार क्या होगा, उसके सीमांकन का आधार क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति। यानी कि कोई भी प्राकृतिक प्रदेश है तो उसका हम लोग किस तरह से निर्धारण कर सकते हैं, वहाँ की वनस्पति को देख करके। वहाँ की वनस्पति जैसी होगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक प्राकृतिक प्रदेश है। जिस भी प्रदेश का ए.जे. हर्बर्टसन के अनुसार ये किसी प्रदेश का प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जब उस प्रदेश का वर्गीकरण किया जाता है या निर्धारण किया जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं कि वो एक प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्राकृतिक प्रदेश होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होता है फिजिकल और दूसरा होता है नेचुरल, भौतिकी और दूसरा प्राकृतिक। भौतिक प्रदेश, इसमें भौतिकी में क्या होता है, अजैविक चीज़ें सिर्फ आती है, प्राकृतिक ही होती है लेकिन ये सारी अजैविक होती है, जैसे कि उच्चावच अजैविक है, संरचना, अपवाह, ये सब क्या है, अजैविक है। दूसरा आता है प्राकृतिक, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों ही सम्मिलित होते हैं, जिसमें आता है तो भौतिक तत्व, जलवायु, जैविक तत्व, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। बृहत प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, मतलब जो बड़े हैं, ठीक है, उसमें आता है भूमध्य रेखीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, उष्ण मरुस्थल प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, प्रेरी घास यानी शीतोष्ण घास प्रदेश, टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, ये सब बड़े प्राकृतिक प्रदेश हैं। अब आता है हमारा सांस्कृतिक प्रदेश, कि ये सांस्कृतिक प्रदेश क्या होता है,
तो इसकी जो उत्पत्ति है वो सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना से हुई है। और अब इसे सांस्कृतिक प्रदेश किसे कहते हैं, तो जितने भू क्षेत्र में समान प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य पाए जाते हैं उसे सांस्कृतिक प्रदेश कहते हैं। कोई भी एक प्रदेश है उसमें जो समान प्रकार का सांस्कृतिक भूदृश्य पाया जाता है, यानी कि वहाँ का भाषा, वहाँ का धर्म, वहाँ की प्रजाति, ठीक है, या फिर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तत्व जो समान पाए जाते हैं, वहाँ सांस्कृतिक भूदृश्य जो समान पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं कि यह सांस्कृतिक प्रदेश है। इसका जो निर्धारण है, सांस्कृतिक प्रदेश का निर्धारण सांस्कृतिक तत्वों की समरूपता के आधार पर किया जाता है। सांस्कृतिक तत्वों की समरूपता के आधार पर सांस्कृतिक प्रदेश का निर्धारण किया जाता है। अब ये सांस्कृतिक क्या है, तो ये दो प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है, समस्त मानव जनित तत्व और पर्यावरण, और दूसरा होता है मानव संस्कृति। तो ये जो समस्त मानव जनित तत्व और पर्यावरण जो होता है इसके अंतर्गत आता है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तत्व, और जो मानव संस्कृति होती है इसके अंतर्गत आता है प्रजाति, धर्म, भाषा, जीवन पद्धति, प्रथा दर्शन। सांस्कृतिक प्रदेशों के सीमांकन का आधार है जीवन पद्धति, प्रौद्योगिकीय विकास, धर्म, भाषा, प्रजातीय समूह और जीवन दर्शन। तो यह जीवन पद्धति क्या होती है, जीवन पद्धति होती है कि एक सांस्कृतिक प्रदेश के अंतर्गत जीवन पद्धति या फिर जीवन यापन के ढंग लगभग समान प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीके? और जीवन पद्धति कई अन्य सांस्कृतिक तत्वों की संयुक्त परिणाम होते हैं। जीवन पद्धति जो होती है, कोई भी एक प्रदेश है वहाँ के जितने लोग हैं वो सब एक ही प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसकी कृषि करके ही कोई जितने भी वहाँ के लोग हैं वो सब लोग क्या कर रहे हैं कि कृषि कर रहे हैं। अपना जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। कोई प्रदेश है जहाँ सारे लोग ही कुम्हार हैं, ठीक है, तो वो उनका क्या हो गया, जीवन पद्धति। कोई एक प्रदेश है जहाँ सारे लोग ही पशुपालन कर रहे हैं, तो वो उनका जीवन पद्धति हो गया कि वहाँ का उस प्रदेश के जितने लोग हैं वो सब क्या करें, एक ही काम कर रहे हैं, उनमें समानता पाई जाती है, ठीक है। अब उसमें कुछ अपवाद पाए जा सकते हैं, जैसे कि एक प्रदेश है जहाँ सारे लोग कृषि पर निर्भर है, तो वहाँ पे क्या हो गया कि किसी का जॉब लग गया या कोई टीचिंग में आ गया, ठीक है, तो वो एक अपवाद पाया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा प्रौद्योगिकीय विकास। तो ये क्या होता है, तो सांस्कृतिक तकनीकी या आर्थिक विकास के स्तर में भिन्नता के कारण यूरोप में सांस्कृतिक प्रदेशों के सीमांकन में प्रौद्योगिकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का स्तर जो है वो बहुत ही मानदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तकनीकी और आर्थिक विकास के स्तर में भिन्नता के कारण यूरोप को 3 परिमंडलों में बांटा गया है, उत्तरी यूरोप, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जिस भी स्थान पर यह समरूपता पाई जाएगी, ठीक है। अब आता है हमारा धर्म। तो धर्म जो है वो संस्कृति का प्रमुख तत्व होता है। धर्म किसी भी संस्कृति का धर्म जो है वो बहुत ही प्रमुख तत्व है। धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव जो है मानव के विचार, प्रथाओं, उनकी जो आदतें हैं, उनका रहन सहन, उनकी परंपराएं, इन सबको निश्चित करता है कि कोई भी धर्म है उस धर्म के अकॉर्डिंग बाकी सारे लोग, उनका रहन सहन होगा, उनका पहनावा होगा, उनकी जो प्रथाएं होंगी, उनकी जो आदतें होंगी, ठीक है, और वो क्या करती है, उस मनुष्य के जीवन शैली को प्रकट करती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा भाषा। तो भाषा सांस्कृतिक के प्रसार का सशक्त साधन है। भाषा की जो भिन्नता का आधार है वो उस आधार पर अमेरिकी सांस्कृतिक मंडल को 2 परिमंडलों में विभक्त किया गया है, एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका। जितने क्षेत्र में समान भाषा प्रयुक्त की जाती है उसे भाषाई प्रदेश कहते हैं, ठीक है, ये अलग से भी अध्ययन किया जाता है। तो ये जो भाषा है वो संस्कृति के आधार पर ही किया आता है, सांस्कृतिक प्रदेश के अंतर्गत ही भाषा भी आती है, ठीक है। कोई भी एक प्रदेश है उस प्रदेश में समान भाषा बोली जाने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि अगर तमिलनाडु है तो वहाँ सारे लोग क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, ठीक है। वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे या क्रिश्चियन रहे, सिख रहे, किसी भी धर्म का हो, वो सब क्या बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं। तो वो क्या हो गया, एक भाषाई प्रदेश हो गया। अब आता है हमारा प्रजातीय समूह। तो मानव की प्रजाति जो होती है
कोई भी एक प्रजाति उसके आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। जीवन दर्शन तो जीवन दर्शन के का जो अर्थ होता है तो मानव का विचार, उसका व्यवहार, उसका दृष्टिकोण या फिर उसकी जो सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, ये क्या होता है, उसका जीवन दर्शन होता है। ठीक है, अब आता है हमारा भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश किसे कहते हैं, तो भूमंडल का वो भाग जिसके अंतर्गत संपूर्ण अधिकांश भौगोलिक तत्व में समरूपता या एक रूपता पाई जाती है उसे भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। भौगोलिक प्रदेश मतलब कि उस प्रदेश में प्राकृतिक तत्व भी पाए जाएंगे और सांस्कृतिक तत्व भी पाए जाएंगे। ठीक है, उसमें संपूर्ण या फिर अधिकांश भौगोलिक तत्व या भौगोलिक दशाओं में समरूपता या एक रूपता पाई जाती है उसे हम कहते हैं भौगोलिक प्रदेश। तो भौगोलिक प्रदेश का जो विचार है या फिर भौगोलिक प्रदेश के बारे में हमें अनस्टेड ने बताया था, जे एफ अनस्टेड ने 1916 में बताया था। ठीक है, और ये जो जे एन अनस्टेड थे ये हर्बर्टसन का समर्थन करते थे। इन्होंने क्या बताया कि प्राकृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व को मिलाकर हमारा क्या बनता है, भौगोलिक प्रदेश बनता है। ठीक है, यानी कि भौगोलिक प्रदेश में कैसे तत्व पाए जाते हैं या उनकी विशेषता क्या होती है, तो इसमें प्राकृतिक तत्व भी पाए जाते हैं और सांस्कृतिक तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा आर्थिक प्रदेश। तो आर्थिक प्रदेश का जो निर्धारण है ये हम आर्थिक तत्वों की समरूपता के आधार पर कर सकते हैं, जैसे संसाधन, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक उत्पादन, आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास, आर्थिक नीति, आर्थिक नियोजन और मानव के आर्थिक नियोजन। ठीक है, अब आता है हमारा प्रकार्यात्मक प्रदेश। तो प्रकार्यात्मक प्रदेश को नोडल रीजन यानी कि केंद्रीकृत प्रदेश भी कहते हैं। इसमें कार्यात्मक संगठन की एकरूपता पाई जाती, कोई भी कार्य है उसकी एकरूपता पाई जाती है, केंद्रीयता की उपस्थिति अनिवार्य होती है, यानी कि एक कोई केंद्र होना चाहिए उस रीजन में, कोई एक केंद्र होना चाहिए और उसके आसपास में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि ये एक केंद्र हो गया, ठीक है, ये एक केंद्र हो गया तो ये हो जाता है हमारा शहर। ठीक है, और इसके आसपास जो है वो यहाँ पर ज़्यादा ही सेकेंडरी एक्टिविटी, द्वितीयक क्रियाएं या तृतीयक क्रियाएं या फिर प्राथमिक क्रियाएं वो क्या होगी, इसके आसपास के एरिया में होगी। तो ये जो प्रकार्यात्मक प्रदेश का जब हम निर्धारण करते हैं तो इसके लिए किसी एक केंद्र का होना अनिवार्य है। ठीक है, केंद्रीयता की इसमें उपस्थिति जो है वो अनिवार्य, बिना केंद्र के हम किसी भी प्रकार्यात्मक प्रदेश या फिर कार्यात्मक प्रदेश का निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हम लोग, ये जो प्रकार्यात्मक प्रदेश या फिर कार्यात्मक प्रदेश है इसे हम केंद्रीकृत, केंद्र आधारित या प्रदेश या संगठनात्मक प्रदेश भी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है नगर प्रदेश, नगरीय प्रभाव क्षेत्र, बाजार क्षेत्र, बंदरगाह के पृष्ठ क्षेत्र। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कार्यात्मक प्रदेश है, यहाँ कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये नगर प्रभाव क्षेत्र या फिर इसे हम अमलैंड भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, किसी नगर या केंद्र स्थल। ठीक है, नगर क्या होता है, नगर केंद्र में होता है, उसके चारों ओर स्थित क्षेत्र उस जो उससे कार्यात्मक रूप से संबंधित होती है उसे नगर प्रभाव क्षेत्र या आमलैंड कहते हैं। नगर विविध प्रकार की सेवाओं का केंद्र होता है, नगर से हमें क्या होती है, बहुत से प्रकार की सेवाएं हमें उपलब्ध होती हैं, जैसे कि ये केंद्र हो गया। ठीक है, तो इसका जो आसपास का एरिया होगा, आसपास का जो इसका रीजन है वो किसी भी किसी ना किसी तरह से कार्यात्मक रूप से वो नगर से संबंधित होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी हुई है या फिर यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है तो ये क्या होगा कि यहाँ से मजदूर जा रहे हैं या फिर परिवहन के का साधन है या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग वहाँ पर काम करने जा रहे हैं या फिर वहाँ कोई चीज़ कोई कच्चा माल जा रहा है, फिर वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फिर वापस आ रहा है नगर में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि कार्यात्मक
रूप से वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनके बीच में अंतर संबंध होता है। ठीक है, तो कोई भी नगर होता है उसके जो आसपास का जो क्षेत्र होता है या फिर उसके जो चारों ओर जो स्थित क्षेत्र होता है जिसमें वो कार्यात्मक रूप से वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नगर प्रभाव क्षेत्र या फिर आमलैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रदेशों के जो प्रकार टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तब तक ले टेक केयर।